एवरीबॉडी, माय नेम इज अरिजीत भट्टाचार्य जी, वेलकम टू द चैनल। सो एक फेवर चाहिए यार आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक देखना, ठीक है, नहीं तो आप कुछ गलत समझ के चल जाओगे। हाँ, सो आज बात करते हैं आप और आपके दोस्तों के बारे में। हाँ, तो मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि रियल फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं या एक आइडियल फ्रेंड की क्वालिटीज़ क्या होती है, वो सब आपको पता है, ठीक है। पर और तीन चीज़ें हैं, उनकी खबर भी हमको होती है पर हम उनके बारे में उतना सोचते नहीं हैं, हम उन्हें अवॉइड करते, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में सोच के वो कंफर्ट नहीं मिलता, वो किक नहीं मिलता हमें, ठीक है। सो आज मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों उनके बारे उन तीन चीज़ों के बारे में सोचना इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीन पॉइंट है, वो है ट्रूथ, ठीक है। एक फ्रेंडशिप को सस्टेन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हाँ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब तो है ही, पर एक और चीज़ है दोस्त, अ प्रोग्रेसिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। वही दोस्ती सस्टेन करती है जो कि एक प्रोग्रेसिव आउटलुक रखती है टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। देखो, आज आप लोग इतने अच्छे दोस्त क्यों हो, मे बी बिकॉज आप लोग सेम शहर में हो या सेम स्कूल में हो, ठीक है, पर कल को आपका स्कूल लाइफ ख़त्म होने वाला है, तुम मानो या ना मानो, ठीक है, एक दिन आपका स्कूल लाइफ ख़त्म होने वाला है। फिर तुम लोग, तुम और तुम्हारे दोस्तों कॉलेज में जाओगे, ठीक है, आप देश के अलग अलग शहरों में बिछड़ जाओगे, ठीक है। तब आप कॉलेज में जाके एक नए सेट ऑफ लोगों से मिलोगे डेली बेसिस पे, हाँ, उधर आप नए दोस्त बनाओगे, फिर आप अपने स्कूल के दोस्तों से डिस्टेंट होने लगोगे। फिर कॉलेज के बाद तुम जॉब में जाओगे तो आप अपने कॉलेज के दोस्तों से डिस्टेंट होने लगोगे, ठीक है। अब डिस्टेंट मतलब ये नहीं कि तुम लोग दोस्त नहीं रहोगे या वो बुरा हो जाएगी या तुम बुरे हो जाओगे, नहीं, वो सब नहीं। डिस्टेंट मतलब आप अभी जिस इंसान से दिन में तीन बार बात कर रहे हो, तब शायद तीन महीने में उसी इंसान से एक बार बात हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 10 जन का ग्रुप है, तुम लोग सब साथ में झुंड बना के करते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि 10 साल बाद भी तुम लोग 10 जन ही ऐसे सब साथ में करोगे? सिर्फ 2 या 3 दोस्त रह जाएंगे तुम्हारे साथ और शायद वो भी ना रहे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है, प्रोग्रेसिव लाइफ में ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ लोग नए लोग जुड़ते रहते हैं और कुछ लोग छूटते रहते हैं, ठीक है। अरे ऐसे मान लो ना कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप एक गाड़ी चला रहे हो, फिर आपको एक बहुत अच्छी सीनरी दिखी, हाँ, आपको बहुत मज़ा आ रहा है उसको देखने में, पर क्योंकि आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सीनरी पीछे छूटने लगेगा, ठीक है, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट, ओके। सो वही फ्रेंडशिप सर्वाइव करती है जो कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखता है, ठीक है। देखो, फ्रेंडशिप में फन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़े करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वी शुड नो हाउ टू एंड व्हेन टू लिमिट थिंग्स। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी होना चाहिए, ठीक है, ग्रोइंग मेंटालिटी होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग रन में उस फ्रेंडशिप को सर्वाइव करने के लिए, हाँ, कि मैं भी ग्रो कर रहा हूँ और तू भी मेरे साथ कर, ठीक है, वही फ्रेंडशिप लॉन्ग रन में सर्वाइव करती है, ठीक है। आप अगर अभी सिर्फ फन किए जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ एंटरटेनमेंट लिए जा रहे हो, ठीक है, तो देखो अभी तुम्हारे और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। घर में एक इंसान है जो मेरा बिल्स भर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर सब आने वाले, ठीक है। और एक बात है कि एक इंसान ने कहा था कि तबाही में 2 इंसान साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आप अभी सिर्फ मज़े किए जाओगे आपके दोस्त के साथ, सिर्फ मज़े किए जा रहे हो, तो वही फन जो आज तुम मना रहे हो, वही 10 साल बाद वो पॉइजन लगने लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो आपको एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी होना चाहिए, ठीक है, सब बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ में, ठीक है, दोस्ती में। तो फ्रेंडशिप दिल से करो, ठीक है, फ्रेंडशिप दिल से करो, पर इसमें इतना भी घुस मत जाओ कि कहीं सीनरी देखने के चक्कर में आपको गाड़ी ही ना रोकनी पड़े। दूसरा पॉइंट है, वो है प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। आप जब अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करने जाओगे तो आपको 2 तरह के लोग दिखेंगे, हाँ, एक जो कहेगा कि ये क्या छोटी सी मैटर पे हो रहा है, कितना ट्रिवियल सा प्रॉब्लम है ये तेरा, मेरे साथ पता है इतना बुरा हुआ था, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। जो दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप है, वो आपकी कहानी को सुनेगा, ठीक है, या सुनेगी, ठीक है, देन ही और शी विल कम अप विद अ सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, हाँ, एंड समवेयर यू फील दैट व्हाट द अदर पर्सन डिड टू यू वाज रॉन्ग, ओके। अब आपका फ्रेंड आपको सैड नहीं देखना चाहता, तो उसने क्या किया, वो आपके पास आके कहा कि देख तू सैड मत हो, मैं कुछ करता हूँ, लुक, मैं एक और लड़के को जानता हूँ जो मेरा दोस्त है, सो इफ़ यू वांट आई कैन सेट यू अप विद हिम, ओके। तो ये कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, एटलीस्ट उस मोमेंट ऑफ टाइम में ये कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, ये प्रॉब्लम को रिप्लेस करना हो गया, ठीक है। सोल्यूशन में एक सेंस, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है।
सेंस तब बनती है जब आपका फ्रेंड आपको आके कुछ ऐसा कहता है कि देख जो हुआ वो हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, पर अब हमें ये एक्सेप्ट करके ज़िंदगी की लाइफ की बाकी एस्पेक्ट्स में अब हमें ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। हम एक ही एस्पेक्ट को पकड़ के बैठ नहीं सकते, या ना तो हम किसी इंसान को पकड़ के बैठ सकते, ठीक है। तो अब हमें अलग बाकी एस्पेक्ट्स में ध्यान देना है, ठीक है, चाहे वो अपना काम हो जाए या अपनी फैमिली की हेल्थ हो जाए, ठीक है। ये होती है एक मीनिंगफुल आंसर, ठीक है, एक मैच्योर आंसर, ठीक। आपका फ्रेंड वही है, रियल फ्रेंड वही है जो आपको वो डार्क ट्रूथ दिखाए, ठीक है, जो आपको रियलिटी दिखाए, ठीक है, डार्क रियलिटी दिखाए आपको, ठीक है, वो आपका एक्चुअल फ्रेंड है। आप हर समय नहीं कह सकते हो कि भाई मैं है ना तेरे साथ, नहीं, ऐसा नहीं होता हर समय। रियल फ्रेंड वही है जो आपको कहेगा कि देख वेन एवर यू नीड मी आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। तो कुछ गलत करेगा मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा, तो कुछ सही करेगा मैं तुझे और मोटिवेट करूंगा, पर करना तेरे को है, कोई और नहीं कर दे सकता तेरे लिए, ठीक है, ना तेरे पेरेंट्स ना मैं, ठीक, करना तेरे को है। ये होती है एक मीनिंगफुल फ्रेंडशिप, ठीक है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप होती है ये, ठीक है। यही फ्रेंडशिप लॉन्ग रन में सर्वाइव करती है, ठीक है। देखो एक बात याद रखना कि तुम्हें ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जिनके साथ मज़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है, बहुत फन हो रहा होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगेगा कि यही मेरा एक्चुअल फ्रेंड्स है, ठीक है। बट जब आपको एक्चुअल में नीड होगी ना, लाइक व्हेन यू आर इन डायर नीड ऑफ अ फ्रेंड फिगर बिसाइड यू, दे जस्ट डिसअपीयर, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, या कभी हुआ होगा। तीसरा पॉइंट है दोस्त, वो है इन्फ्लुएंस। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कहा है, तुम्हारे टीचर्स ने भी तुमसे कहा है, ठीक है, पर तुम किसी के सुनते नहीं हो। इनफैक्ट हम किसी के सुनते नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि हमने ना अपने कंधों के ऊपर एक अलग ही सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का बोझ ले ली, ठीक है, जो कि है नहीं, असल में ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हमारे जनरेशन में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनफैक्ट हमारे जनरेशन में ये चीज़ ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हें क्रिकेटर बनना है, तो तुमने क्या किया, तुमने एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब तुम हर दिन 2 घंटे उन लोगों के साथ बिताते हो जो कि उस स्किल में तुमसे बेहतर है, ठीक है। तो तुम हर दिन जाते हो उधर उस एकेडमी में, तो तुम्हारा एक फेमिलियरिटी बन गया कुछ लोगों के साथ, और तुम एक आध दोस्त बना लिए उधर, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करना दोस्त, कि उस दोस्ती के थ्रू तुम्हें कितना कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है क्रिकेट के बारे में, जो कि पहले तुम्हें पता नहीं था, ठीक है। कितना तुम्हारे मन में कितना कॉन्सेप्शन था जो कि शायद गलत था, अब तुम उन्हें सही कर पा रहे हो, ठीक है, उन दोस्तों की वजह से। हाँ, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप सब उधर जो एकेडमी में जा रहे हो एक कॉमन गोल के पीछे भाग रहे हो कि हाँ क्रिकेटर बनना है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय, मतलब आपको ऐसा दोस्त मिलेंगे जो कि कॉमन गोल के पीछे भाग रहा है, पर इस बात की ज़रूर ख्याल रखना कि जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो एक पॉजिटिव इंसान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर बात आता है दो चीज़ की, इन्फॉर्मेशन की और कंजम्पशन की। आप क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, वो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। मान लो तुम एकेडमी से वापस आ रहे हो, ठीक है, अब तुम वापस आए और तुम अपने उस होमी से मिले जो कि खुद पूरा दिन कुछ नहीं करता, ठीक है, पर दूसरों के काम का बुराई करता है कि हाँ विराट कोहली को बैटिंग नहीं आती, ठीक है। तो भाई इन दोस्तों के साथ मत रहो, कल को तुम कुछ अच्छा करने लगोगे तो ये तुमसे भी जलने वाले, ठीक है, ये लिख के ले लो, ठीक है, ये तुमसे भी जलेंगे, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी की बात आता है, ठीक है। रेजोनेंस कब होता है, जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी और अप्लाइड फ्रिक्वेंसी सेम हो जाता है, ठीक है। अब जितना पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही लोगों को आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, ठीक है। वहीं पे आप अगर नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करते हो तो लोगों को आपसे नेगेटिव वाइब्स मिलेंगे, ठीक है। ये नेचर का लॉ है, एक फेनोमेनन है ये, ठीक है, तो मानो या ना मानो, ठीक है। तो यही 3 पॉइंट्स थे यार, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा, अगर अच्छा लगा तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, और शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि जब तुम कुछ अच्छा शेयर करते हो तो अच्छा ही तुम्हारे पास वापस आता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड गुड बाय।